वंचित समाज के वर्गों के लिए ये बुरी खबर है, ये बुरा दिन है। सभी राजनीतिक दलों से और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि आरक्षण संबंधी कोई भी मामला जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि पहले पटना हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इसका रास्ता आखिर कैसे निकले? क्योंकि जिस सरकार से आप मांग कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उस सरकार में आप हिस्सा हैं, आपके सहयोग से सरकार चल रही है। हम भी सरकार से निरंतर आग्रह करेंगे इसको 9वीं सूची में डाला जाए। हालांकि सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी आरक्षण की मांग करती रही हैं, ताकि उनके जो लंबित केस है अदालतों में, उसमें उन्हें न्याय मिल सके। मुझे शक है, आशंका है कि इन सामाजिक संगठनों की अगला सवाल अदालत में आरक्षण की मांग हो सकती है। लेकिन चूंकि जो बाकी विपक्ष दल है वो जेडीयू को निशाने पर ले सकती है कि जेडीयू सरकार पर दबाव बना है, तो जेडीयू की आगे की रणनीति क्या होगी? जेडीयू समूचे देश में जातिगत जनगणना की पक्षधर है, बिहार की तर्ज पर, नंबर एक। नंबर दो, हम बिहार सरकार के और नीतीश सरकार के इस फैसले का भी स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने का आग्रह किया। दूसरा सवाल सर ये है कि खबर है आज सुबह मणिपुर के सीएम प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उस मुलाकात में डिफेंस मिनिस्टर भी थे, अमित शाह भी थे। तंज कसा है कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कि उस बंद कमरे में क्या गुपचुप बातें हुई जिसे सार्वजनिक नहीं की जा रही। जयराम रमेश जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने के आदि हैं। ये एक आइस ब्रेक हुआ है कि दिल्ली के जो सर्वोच्च संस्था है उससे जुड़े हुए बड़े लोगों के बीच में, महत्वपूर्ण लोगों के बीच में मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है। वार्ता के नतीजे का इंतजार किए बगैर इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं। दूसरा सर, प्रशांत किशोर के पार्टी बनाने के ऐलान के बीच पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में किसी और के लिए कोई रास्ता नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए आरजेडी से अलग होने के फैसले पर, और अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो कांग्रेस विकल्प हो सकता है। बिहार में पहले ही पॉलिटिकल और सामाजिक ध्रुवीकरण हो चुका है। एक का नेतृत्व एनडीए के हाथ में है, दूसरा इंडिया के हाथ में, इसलिए वहां तीसरे विकल्प की कोई संभावना नहीं, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय की मानने वाली दोनों पार्टियों, चाहे आरजेडी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, वह अब उसके निशाने पर ये दोनों दल। लेकिन उस सुझाव का क्या जो पप्पू यादव कह रहे हैं? नहीं, ये तो उनको तय करना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगला निशाना समाजवादी पार्टी और आरजेडी को खत्म करना है। ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, जबकि दोनों अभी सात चुनाव लड़े हैं, यूपी में सात चुनाव लड़े हैं, लेकिन दोनों का एजेंडा एक है और केंद्र में बड़ी भूमिका वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, न कि सपा और आरजेडी। दूसरा सवाल सर यह है कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र जो है दायर कर दिया है, क्या इससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी? जांच एजेंसियां और अदालत के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और इनकी जो अनुशंसाएं हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। राजेंद्र नगर की घटना पॉलिटिकल विमर्श के बीच पिछले दो तीन दिनों से चर्चा में है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी दिल्ली में होती है। नहीं, ये बहुत खतरनाक हत्याकांड है, ये मृत्यु नहीं है। और ये जो शिक्षण संस्थान है इस तरह के, वो शिक्षा के केंद्र के बजाय लूट के केंद्र ज्यादा बन गए। इन पर रोक लगे या इनमें सुधार हो, मैं इसकी